I welcome you all in today's class. Today we'll start our new chapter, lesson 3, from your book, First Flight. And the chapter is two stories about flying. In these stories, we'll read about the flying. First story is his first flight. And it is written by Limo Flatty. Let's read the chapter, difficult words and explanation of the chapter. His first flight. Here his is the young bird seagull. And we'll read how it takes his first flight. After so many efforts, एक बहुत छोटा सा यंग बर्ड है, सीगल नाम है उसका, वो बहुत डरता है उड़ने से, वो काफ़ी कोशिशों के बाद जब वो अपनी फर्स्ट फ्लाइट लेता है, तो ये सब चीज़ें हमने स्टोरी में पढ़नी है. लेट्स बिगिन. द यंग सीगल वॉज अलोन ऑन हिज लेज. हिज टू ब्रदर्स एंड हिज सिस्टर आर ऑलरेडी फ्लोन अवे द डे बिफोर. जो यंग बर्ड है सीगल, वो अकेला लेज पे बैठा हुआ है. एंड व्हाट डू यू मीन बाय लेज? लेज इज अ नैरो हॉरिजॉन्टल शेल प्रोजेक्टिंग फ्रॉम अ वॉल और अ क्लिफ. एक पहाड़ी से एक शेल्फ पतली सी है, उसके ऊपर एज पे, उसके एज पे जाके वो बैठा हुआ है. और उसके जो ब्रदर सिस्टर्स हैं, वो एक दिन पहले ही वो वहाँ से उड़ गए हैं, वो अकेला वहाँ पे बैठा हुआ है. Somehow, when he had taken a little run forward to the brink of the ledge and attempted to flap his wings, he became afraid. The great expanse of sea stretched down beneath, and it was such a long way down, miles down. समुद्र के साथ जहाँ वो बैठा हुआ ledge है, नीचे समुद्र है, तो वो कोशिश करता है कि वो थोड़ा वो भी उड़ने की कोशिश करे. वो भी अकेला है, इसलिए वो भी कोशिश कर रहा है कि वो भी उड़े. तो इसलिए थोड़ी सी जैसे वो कोशिश करता है, थोड़ा सा वो भागता है एज की, जो लेज में, लेज का जो एज है, ब्रिंक मींस एज ऑफ द दैट लेज, तो उस एज की तरफ जो जाता है, तो और अपने पंख जो खोलता है, तो एकदम से वो डर जाता है और वो अपने पंखों को जो है वो सिकोड़ लेता है. एंड द ग्रेट एक्सपेंस ऑफ सी स्ट्रेच डाउन बीनीथ. और जो इतना बड़ा जो वास्ट जो समुद्र है, वो इतना फैला हुआ है, इतना गहराई है उसकी, इतना वो गहरा है, इससे वो उसको देख के वो एकदम से डर जाता है. ही वॉज सो यंग बर्ड. He felt certain that his wings would never support him. So he bent his head and ran away back to the little hole under the ledge where he slept at night. और उसको पूरा विश्वास था कि उसके जो विंग्स हैं वो कभी उसको सपोर्ट नहीं करेंगे, वो इतने ज़्यादा स्ट्रांग नहीं है, वो कभी नहीं उड़ पाएगा. उसके वो ये सोचता था. सो उसने जब वो डर गया, तो उसने अपने हेड को जो है वो झुका लिया और अपने होल जहाँ पे रात को सोया हुआ था, लेज के अंडर एक होल था, उसके अंदर गया और वहीं पे वो छुप गया, और पिछली रात भी वहीं पे वो सोया हुआ था. इवन व्हेन ईच ऑफ हिज ब्रदर्स एंड लिटिल सिस्टर हुज विंग्स वर फार शॉर्टर देन हिज ओन रैन टू द ब्रिंक फ्लैप देयर विंग्स एंड फ्लू अवे. जो उसके ब्रदर सिस्टर्स थे, उनके विंग्स तो उससे भी छोटे थे, लेकिन वो उन्होंने हिम्मत की, कोशिश की और वो ब्रिंक की तरफ दौड़े और अपने उन्होंने पंख खोले, फैलाए और वो उड़ गए. ही फेल्ड टू मस्टर अप करेज टू टेक दैट प्लंज विच अपीयर्ड टू हिम सो डेस्परेट. मीन्स जो उसके ब्रदर सिस्टर्स थे, उन्होंने वो तो दौड़ गए, लेकिन उसमें इतना करेज नहीं वो जुटा पाए, इतना साहस नहीं वो जुटा पाया कि वो उड़े, कि वहाँ से उड़े. एंड इससे उससे क्या हो गया, बिल्कुल वो निराश हो गया कि मैं कैसे उड़ूंगा, और ये सब वो चीज़ें सोचने लगा, और वो अकेला वहाँ पे पड़ गया. हिज फादर एंड मदर हैड कम अराउंड कॉलिंग हिम श्रीली अपब्रेडिंग हिम थ्रेटनिंग हिम टू लेट हिम स्टॉप ऑन हिज स्लेज अनलेस ही फ्लू अवे. बट फॉर द लाइफ ऑफ हिम ही कुड नॉट मूव.
हिज पेरेंट्स जो वर वेरी डेस्परेट, वो चाह रहे थे कि वो उड़े। उन्होंने बहुत कोशिशें की, उन्होंने बहुत सारे मेथड्स अपनाए, बहुत से वेज उन्होंने उस पर अप्लाई कर लिए, लेकिन वो फेल हो गए, वो नहीं उसको हेल्प कर पाए। तो और वो उसको उस पर चिल्लाने लगे, श्रीली होता है उनकी लैंग्वेज में, वो उसको उस पर चिल्लाने लगे कि तुम यहाँ से उड़ने की जो है वो कोशिश करो, नहीं तो तुम यहीं पर भूखे मरोगे, तुम्हें कोई खाना नहीं ला के देगा, और अगर तुम कोशिश नहीं करोगे तो तुम यहीं रह जाओगे, अकेले रहोगे। लेकिन वो जितनी उसमें ताकत थी, जितना उसमें जोर था, वो वहाँ से बिल्कुल भी नहीं मूव कर पाया, वो वहीं का वहीं बैठा रहा। That was 24 hours ago. Since then, nobody had come near him. The day before, all the day long, he had watched his parents flying about with his brothers and sister, perfecting them in the art of flight, teaching them how to skim the waves and how to dive for fish. Skim means to move lightly and just above a surface. यहाँ पे समुद्र के ऊपर मीन्स इस जो स्टोरी में है, समुद्र है उसके ऊपर कैसे मूव करना है, वो अपना जो पेरेंट्स थे वो अपने जो उसके सीगल के जो ब्रदर सिस्टर्स थे उनको सिखा रहे थे कि कैसे फ़िश को पकड़ना है, किस फिश को पकड़ने के लिए कैसे डाइव करना है, ये चीज़ें वो पेरेंट्स अपने बच्चों को उनको ट्रेन कर रहे थे कि हाउ टू स्किम। और इसलिए 24 घंटे मीन्स उसके पास एक दिन तक उसके पेरेंट्स ना आए, ना उसके ब्रदर सिस्टर कोई भी नहीं आए, वो अकेला रहा। ही हैड इन फैक्ट सीन हिज ओल्डर ब्रदर कैच हिज फर्स्ट हेरिंग एंड डेवर इट स्टैंडिंग ऑन अ रॉक व्हाइल हिज पेरेंट्स सर्कल अराउंड रेजिंग अ प्राउड कैकल। हेरिंग मीन्स अ सॉफ्ट फिंच सी फिश, डेवर मीन्स ईट हंग्रीली और क्विकली, एंड कैकल मीन्स द साउंड प्रोड्यूस बाय द बर्ड्स। जो उसका बड़ा ब्रदर था, सीगल का जो बड़ा भाई था, उसने उसके सामने सामने जो है एक सॉफ्ट फिन सी फिश को जो है वो कैच किया, पकड़ा उसको और उसे वो उसने खा लिया। एंड जो उसके पेरेंट्स थे वो इस चीज़ से इतना खुश हुए, इतना उन्होंने प्राउड फील किया कि उन्होंने एक कैकलिंग साउंड जो है था वो प्रोड्यूस करने लगे। मीन्स जो उनका बर्ड्स का जो साउंड है वो जो पेरेंट्स थे वो उड़ते रहे और उन्होंने वो साउंड जो है वो प्रोड्यूस करते रहे कि वो उनको जो है वो प्राउड फील हो रहा था। दैट टाइम देवर प्राउड पेरेंट्स कि वो अपने बच्चे को जो है वो ये चीज़ सिखा पा रहे हैं। एंड ऑल द मॉर्निंग द होल फैमिली हैड वॉक्ड अबाउट ऑन द ब्रिज बिग प्लेटू मिडवे डाउन द ऑपोजिट क्लिफ टॉन्टिंग हिम विद हिज कावर्डाइस, टीजिंग हिम फॉर नॉट बींग ब्रेव। सीगल को वो टीज कर रहे थे पूरी फैमिली मिलके कि तुम कितने डरपोक हो, तुम उड़ नहीं पा रहे हो, तुम कोशिश नहीं करते हो, तुम यहीं भूखे मर जाओगे, ये सब चीज़ें जो है वो उसकी फैमिली उसको बोल रही थी। वो जो ऑपोजिट जो प्लेटो था उसके ऑपोजिट और सीगल के ऑपोजिट साइड वो बैठे हुए थे क्लिफ पे, पहाड़ी पे, और उसको वो टॉन्ट कर रहे थे कि तुम भी उड़ो, तुम भी कोशिश करो। मीन्स वो पूरा जो फैमिली पूरी जो फैमिली थी वो उसको जो है वो एनकरेज करने की कोशिश कर रही थी कि तुम अगर नहीं उड़ोगे तो तुम यहीं भूखे रह जाओगे, तुम्हारे पास कोई भी। द सन वॉज नाउ असेंडिंग द स्काई ब्लेजिंग ऑन हिज स्लेज दैट फेस्ड द साउथ। ही फेल्ट द हीट बिकॉज ही हैड नॉट ईटन सिंस द नाइटफॉल। जो द सन वॉज राइजिंग, जो सूरज उग रहा था और जो जो उसकी हीट थी, सूरज की जो हीट थी वो सीधे उसके फेस पे पड़ रही थी, सीगल के जो फेस के ऊपर पड़ रही थी। एंड उसको तो ज़्यादा ही हीट लग रही थी बिकॉज उसने जो है एक दिन से कुछ नहीं, 24 आवर्स तक उसने कुछ भी नहीं खाया था, इसलिए उसको ज़्यादा गर्मी लग रही थी, धूप लग रही थी, और वो बहुत ज़्यादा वीक जो है वो फील कर रहा था क्योंकि उसने जो है वो 24 आवर्स से कुछ भी नहीं खाया था। He stepped slowly out to the brink of the ledge and standing on one leg with the other leg hidden under his wing, he closed one eye then the other. Means वो धीरे से जो है वो जो जो ledge का जो एज था, ब्रिंक था, उसके ऊपर वो धीरे से वहाँ गया और उसने क्या किया, एक टांग के ऊपर खड़ा हो गया, दूसरी टांग को उसने अपने विंग्स के अंदर जो है वो छुपा लिया और एक आंख को बंद कर दिया और दूसरी को भी वो बंद
कर दिया। वो ये कोशिश करने लगा, ये प्रिटेंड करने लगा कि मुझे तो सो गया हूँ मैं, मुझे तो नींद आ रही है, और ये फील करवा रहा था कि उसने कुछ भी नहीं खाया। उसके जो पेरेंट्स हैं, जो उसके फैमिली मेम्बर्स हैं, ब्रदर सिस्टर हैं, कोई तो उसके पास आएगा, कोई तो उसे उसके हालचाल थोड़ा पूछेगा। एंड प्रिटेंडेड टू बी फॉलिंग अस्लीप स्टिल दे टुक नो नोटिस ऑफ हिम। ही सॉ हिज टू ब्रदर्स एंड हिज सिस्टर लाइंग ऑन द प्लेटो डोजिंग विद देयर हेड सन्क इन टू देयर नेक्स। मीन्स वो सोने के को प्रटेंड कर रहा था कि वो सो रहा है, लेकिन किसी ने नोटिस नहीं किया। उसके जो ब्रदर सिस्टर थे वो तो खुद थके हुए थे, उन्होंने भी अभी नया नया उड़ना शुरू किया था, वो भी थक के सो गए थे, और उन्होंने जो अपने जो सिर हैं वो अपने झुका के रख दिए थे और वो सोए हुए थे। एंड जो उसके पेरेंट्स थे, हिज फादर वॉज प्रीनिंग द फैदर्स ऑन हिज वाइट बैक। Only his mother was looking at him. She was standing on a little high hump on the plateau, her white breast thrust forward. जो उसके फादर थे वो प्रीनिंग मीन्स मेकिंग एन एफर्ट टू मेंटेन फैदर्स एंड थ्रस्ट मीन पोस्ट। जो उसके फादर थे वो अपना जो फैदर्स थे उनको साफ करने की कोशिश कर रहे थे, उसको उसकी सफाई कर रहे थे। जो सिर्फ उसकी जो मदर थी सिर्फ वही उसको नोटिस कर रही थी, वो सिर्फ उसको ही उससे कंसर्न था, और वो देख रही थी कि उसने कुछ भी नहीं खाया है, लेकिन वो क्या था, उसको वो उड़ना जो है वो सिखाना चाहती थी, इसलिए वो बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट थी, उसके साथ वो स्ट्रिक्ट रही। शी वॉज स्टैंडिंग ऑन अ लिटिल हाई हम्प ऑन द प्लेटू, वो जो है वो प्लेटू के ऊपर खड़ी हुई थी, एंड हर वाइट ब्रेस्ट थ्रस्ट फॉरवर्ड, जो अपना जो फ्रंट बॉडी का पार्ट है वो उसने आगे की तरफ पुश किया हुआ था, और वो उसको देख रही थी कि वो सोया है या वो भूखा होगा, ये सब उस चीज़ें उसके जो थी वो माइंड में थी। एंड नाउ एंड अगेन शी टोर एट अ पीस ऑफ फिश दैट ले एट हर फीट एंड देन स्क्रैप्ड ईच साइड ऑफ हर बीक ऑन द रॉक। द साइट ऑफ द फूड मैडन्ड हिम, हाउ ही लव टू टियर फूड दैट वे, स्क्रैपिंग हिज बीक नाउ एंड अगेन ही अगेन टू वेट इट। वेट इट मीन्स शार्पन। और उसकी जो मदर के जो पाँव में जो था एक फिश उसने पकड़ी हुई थी, वो अपने साथ वो फिश लेके आई थी, और उसने उसको उसका एक छोटा सा पीस जो है वो निकाला, लेकिन वो उससे इतनी अच्छी तरह से वो नहीं उसको ग्रिप कर पा रही थी, इसलिए वो अपनी बीक को जो है वो रॉक पे जो है वो रब कर रही थी, स्क्रैप्ड ईच साइड ऑफ हर बीक मीन्स उसको रॉक के ऊपर रगड़ रही थी उसको शार्प करने के लिए कि वो शार्प हो जाए और वो फिश का जो पीस है वो निकाल पाए। और जैसे ही सीगल ने देखा कि उसकी मदर के पास जो है वो फिश है, तो वो उसको देख के पागल हो गया कि उसको, क्योंकि उसको बहुत ज़्यादा भूख लगी हुई थी और वो सोच रहा था कि काश मेरे पास ये फिश होती और मैं अभी उसको जो है वो इसका पीस निकाल पाता और मैं उसके खा पाता। तो उसे वो देख के जो है वो बहुत ज़्यादा ईगर हो रहा था कि कब मम्मा जो है मुझे ला के ये फिश का पीस देगी और मैं खाऊँगा। गा 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 ही क्राइड बैगिंग हर टू ब्रिंग हिम सम फूड। गोकुला शी स्क्रीम बैक डिराइसिवली इन अ मैनर शोइंग सम वट दैट शी और ही इज स्टूपिड। मीन्स वो उसको मीन्स स्कॉल्ड कर रही थी, डांट रही थी। पहले उसने जैसे सीगल स्टार्टिंग में गा 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 करके उसको ये बोल रहा था कि मम्मा मुझे कुछ खाना दे दो, जल्दी करो और मुझे खाना दो, एंड वो उसको रिप्लाई कर रही है, उसको डांट रही है कि यू आर अ स्टूपिड, तुम बेवकूफ़ हो, तुम कोशिश नहीं करते। ये मतलब उसके जो उनकी अपने लैंग्वेज थे उसमें वो बोल रहे थे शायद। एंड बट ही कैप्ट कॉलिंग प्लेनिटिवली having a sad quality, and after a minute or he uttered a joyful scream। लेकिन वो ये चीज़ जो है वो बार बार बोलता रहा क्योंकि उसको जो है वो बहुत ज़्यादा भूख लग रही थी और वो बार बार जो है वो अपनी मम्मा को बोल रहा था कि मुझे आके इसको काइंडली दे दो। और जब आफ्टर अ मिनट और ही अटर्ड अ जॉयफुल स्क्रीम, और उसके बाद वो खुशी से चिल्लाया। बट क्यों चिल्लाया वो? His mother had picked up a piece of the fish and was flying across to him with it. He leaned out eagerly, tapping the rock with his feet, trying to get nearer to her as she flew across. But when she was just opposite to him, she halted, her wings motionless, the piece of fish in her beak almost within reach of his beak.
जो उसकी मदर थी उसने फिश का एक पीस लिया और वो सीगल की तरफ उसकी तरफ जो है वो उड़ते हुए आई, तो इसलिए वो ज़ोर से चिल्लाया कि अब तो मम्मा मुझे फ़िश का जो है पीस मुझे देने ही वाली है। ही लीन्ड आउट ईगली, वो बिल्कुल अच्छे से बिल्कुल उत्सुक होकर उसको देखने लगा। टैपिंग द रॉक विद हिज फीट, और जिस पे रॉक पे वो खड़ा था, जहाँ लेज पे खड़ा था, तो उस पे वो उछलने लगा, टैप करने लगा उस रॉक को कि खुशी के मारे कि अब मुझे खाना मिल रहा है। ट्राइंग टू गेट नियरर टू हर एज शी फ्लू अक्रॉस एंड सोच रहा था कि कब मम्मा जो है वो बिल्कुल नज़दीक आ जाए। बट वैन शी वॉज जस्ट अपोजिट टू हिम, लेकिन जैसे वो उसके नज़दीक थी और उसको पकड़ने ही वाला था, उसने जो है वो अपने पंख जो है फैलाना बंद कर दिया और वो खड़ी हो गई, चुप, वो उसने उड़ना बंद कर दिया। एंड हर विंग्स मोशनलेस, जो उसके विंग्स थे वो अब वो सिकुड़ गए और वो उसने उनको उड़ना उसने स्टॉप कर दिया। और जो पीस था वो बिल्कुल उसके रीच में आने वाला था उसके, और जो वो फिश का जो पीस था वो सीगल के बीक में पहुंचने ही वाला था, वो उसको पकड़ने ही वाला था, लेकिन उसकी मदर एकदम से स्टॉप हो गई। इसका मतलब है कि जो उसकी मदर थी वो कुछ उसे लेसन सिखाना चाहती थी, उसको कुछ सिखाना चाहती थी, इसलिए वो एकदम से स्टॉप हो गई। अदरवाइज़ कोई मदर्स ऐसे नहीं कर सकती। ही वेटेड अ मोमेंट इन सरप्राइज वंडरिंग व्हाई शी did not come nearer, and then maddened by hunger he dived at the fish with a loud scream he fell outwards and downwards into space then a monstrous terror seized him and his heart stood still aur wo ekdam se surprise ho gaya aur wo samajh nahi paya ki mama jo hai wo ekdam se stop kyun ho gayi kyun wo mere paas nahi aayi aur wo bhook ke mare jo tha wo pagal ho gaya aur usne ekdam se fish ke upar chhalang laga di ki udne ki matlab wo usne udne ki koshish ki usko pakadne ke liye aur with a loud scream he fell down, fell outward and downward into space aur ek ज़ोर से चिल्लाया और वो बाहर की तरफ नीचे की तरफ जो है वो उड़ता चला गया, गिरता चला गया। देन अ मॉन्स्ट्रस टेरर सीज्ड हिम एंड हिज हार्ट स्टूड स्टिल, लेकिन अब वो और वो एकदम से वो अब उसको ध्यान आया कि मैंने क्या कर दिया, मैं कैसे उड़ रहा हूँ, मैं तो गिर जाऊँगा, ये तो मुझसे नहीं होगा, तो वो एकदम से वो डर गया। उसने एकदम से जब उसको भूख लगी थी, वो जो जो हंगर से जो वो पागल हो रहा था, इस वजह से उसने एकदम से डाइव किया, लेकिन अब वो परेशान हो गया कि अब वो क्या करे। ही कुड हियर नथिंग बट इट ओनली लास्टेड अ मिनट, और ये सिर्फ एक दिन एक मिनट तक की जो चीज़ थी और जो उसको डर लगा वो सिर्फ एक मिनट का जो मोमेंट था वो सिर्फ एक मिनट का था और वो अब कुछ नहीं सुन पा रहा था। द नेक्स्ट मोमेंट ही फेल्ट हिज विंग्स स्प्रेड आउटवर्ड्स, और ऑटोमेटिकली अपने आप ही जो उसके विंग्स थे उसने फील किया कि वो खुल गए थे, अपने आप ही वो उसके पंख जो है वो खुल गए। द विंड रश्ड अगेंस्ट हिज ब्रेस्ट फेदर्स देन अंडर हिज स्टमक एंड अगेंस्ट हिज विंग्स, तो उसने एकदम से फील किया कि जो हवा थी जब वो उड़ने लगा तो एकदम से उसके जो है वो चेस्ट पे जो थे वो हवा एकदम से उसको फील उसने वहाँ किया, उसके बाद उसको लगा कि देन जो हवा वो उसके स्टमक पे आई और बाद में एंड अगेंस्ट हिज विंग्स, और जो उसके जो पंख थे उनके अगेंस्ट जो थी वो उसको हवा को उसने फील किया। ही कुड फील द टिप्स ऑफ हिज विंग्स कटिंग थ्रू द एयर मीन्स अब वो बिल्कुल उसने उड़ना जो था वो स्टार्ट किया। ये उसकी फर्स्ट फ्लाइट थी, इट वाज हिज फर्स्ट फ्लाइट, मींस उसने जो उसकी मदर थी उसके जो एफर्ट्स थे उसकी वजह से उसने जो है फर्स्ट फ्लाइट ली। नाउ शी वाज सक्सेसफुल, ही वाज नॉट फॉलिंग हेड लॉन्ग, नाउ ही वाज सोरिंग मींस फ्लाइंग ग्रेजुअली डाउनवर्ड्स एंड आउटवर्ड्स, ही वाज नो लॉन्गर अफ्रेड, अब उसको कोई डर नहीं लग रहा था, वो आराम से जो उड़ रहा था अब उसको अब वो नहीं गिर रहा था, वो सोरिंग मीन्स फ्लाइंग आराम से वो नीचे की तरफ या ऊपर की तरफ और जहाँ उसका मन कर रहा था वो उड़ रहा था। ही जस्ट फेल्ट अ बिट डिजी, लेकिन वो थोड़ा सा डिजी मीन्स एन अनकम्फर्टेबल फीलिंग ऑफ स्पिनिंग अराउंड एंड लूजिंग वंस बैलेंस, बिकॉज वो उसने कुछ खाया नहीं था, उसका जो स्टमक था वो खाली था, उसने जो है वो एक डेढ़ दिन से कुछ नहीं खाया था, इसलिए उसने थोड़ा सा डिजी फील किया, अदरवाइज ही वॉज क्वाइट वेल, बहुत वो ठीक था। एंड देन ही फ्लैप्ड हिज विंग वंस एंड ही सोर्ड अपवर्ड्स, गा 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 घाव कोला, हिज मदर स्वूप्ड पास्ट हिम हर विंग्स मेकिंग अ लाउड नॉइस।
और सबसे ज़्यादा खुश उसकी मदर हुई। उसको देखा जब उसने सीगल को, जब वो आराम से उड़ रहा था बिना डरे, वो पूरे जो एयर में जो पूरा ऊपर नीचे वो आराम से उड़ रहा था, तो उसको देख के जो है उसकी मदर जो है वो बहुत ज़्यादा खुश हुई, क्योंकि उसने सबसे ज़्यादा उसको एफर्ट उसने किए उसके उड़ने में, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा डर रहा था। तो उसने अपने जो था वो उसके आसपास जो है उड़ती रही और गा 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 एंड गा कोला, ये साउंड उसने निकाला, ये है कैकलिंग साउंड ऑफ द बर्ड्स। ही आंसर्ड हर विद अनदर स्क्रीम, देन हिज फादर फ्लू ओवर हिम स्क्रीमिंग, ही सॉ हिज टू ब्रदर एंड सिस्टर फ्लाइंग अराउंड हिम कवटिंग एंड बैंकिंग एंड सोरिंग एंड डाइविंग। कवेटिंग मीन्स leaping like a horse and banking means flying with one wing higher than the other, एक पंख ऊपर एक पंख नीचे, means जो उसके पूरी family थी, father, mother, brother, sister, सब उसके आसपास इस तरह से उड़ रहे थे। and he saw his two brother and sister flying around him coveting, means इस तरह से horse की तरह वो उड़ रहे थे और वो banking कर रहे थे, means एक पंख ऊपर एक तरह एक पंख नीचे, जो सारे जो movements होते हैं birds के उड़ने के वो सारे वो कर रहे थे। क्यों कर रहे थे? Because they all were happy, वो सारे जो थे वो खुश थे कि अब एट लास्ट जो है सीगल ने भी जो है वो उड़ना शुरू कर दिया है, अब उसको उनकी उनको उसकी कोई चिंता नहीं थी। अदरवाइज वो बहुत ज़्यादा टेंशन में थे कि वो कैसे उड़ेगा, कैसे वो कुछ खाएगा, अदरवाइज वो भूखा ही ना रह जाए। देन ही कम्प्लीटली फॉरगॉट दैट ही हैड नॉट ऑलवेज बीन एबल टू फ्लाई, ही एंड कमेंडेड हिमसेल्फ टू ड्राइव एंड सोर एंड कर्व एंड शर्किंग श्रीरी। अब उसने then he completely forgot that he had not always been able to fly and commanded himself to dive and soar and curve shirking shrilly, means वो ये सब चीज़ें भूल गया था कि उसको उड़ना नहीं आता था, और वो अपनी ही तारीफ जैसे खुद ही करने लगा, मानो ऐसे जैसे उसको सारे जो मोमेंट्स थे डाइव का कर्व का और सब जो चीज़ें थी उसने वो सीख ली थी, और वो अपनी जो प्रेज़ है वो खुद ही कर रहा था बाय श्रीलिंग, जो अपना जो वो अपनी वॉइस निकालते हैं उसमें जैसे वो खुद ही अपनी प्रेज़ करने लगा। ही वॉज नियर द सी नाउ फ्लाइंग स्ट्रेट ओवर इट, फेसिंग स्ट्रेट आउट over the ocean, he saw vast green sea beneath him with little ridges moving over it, and he turned his beak sideways and cawed amusedly, means he was up, वो बिल्कुल समुद्र के नज़दीक था और वहाँ पर उड़ रहा था वो, और उसने तब देखा कि नीचे तो एक ग्रीन कलर का जो है वो समुद्र है, सी है, और उस पर जो है छोटी छोटी वेव्स हैं, रिजिस मीन्स वेव्स हैं, एंड उसके ऊपर वो उड़ रहा था, बहुत ज़्यादा वो खुश था। एंड ही टर्न हिज बीक साइडवेज एंड अपनी बीक को उसने साइड में किया एंड कॉट अम्यूजली, मीन्स साउंड जो प्रोड्यूस करते हैं वैसा उसने साउंड प्रोड्यूस किया और अपनी बीक को है वो साइड में कर दिया। हिज पेरेंट्स एंड हिज ब्रदर्स एंड सिस्टर हैड लैंडेड ऑन हिज ग्रीन फ्लोरिंग अहेड ऑफ हिम, देवर बिकॉनिंग टू हिम कॉलिंग श्रीली, he dropped his legs to stand on the green sea, his legs sank into it, beckoning means signaling him how to follow them, means उनको जो है वो समुद्र पे भी उड़ना था, उसके ब्रदर सिस्टर्स को भी आता था, उसके पेरेंट्स ने उनको सिखा दिया था, तो वो जब वो वहाँ पे उसको समुद्र पे गया तो वो उसको अपनी आवाज़ में उनको उसको बता रहे थे कि हमें फॉलो करो, इस तरह से यहाँ पे उड़ना है, इस तरह से सी के ऊपर जो है मूव करना है। ही ड्रॉप्ड हिज लेग्स टू स्टैंड ऑन द सी, हिज लेग्स सैंक इन टू इट, तो उसने जो है अपनी जो जब उसने लेग्स जो है अपनी समुद्र पे रखी तो है जो उसकी लेग्स हैं वो उसके अंदर डूब गई, अंदर चली गई, उसके अंदर समुद्र के अंदर जो पानी के अंदर चली गई। ही स्क्रीम्ड विद फ्राइट, और वो डर गया, एंड अटेम्प्टेड टू राइज अगेन फ्लैपिंग हिज विंग्स, और वो अपने पंख फड़फड़ाने लगा कि मुझे ऊपर आना है, बट ही वॉज टायर्ड एंड वीक विद हंगर सो ही कुड नॉट राइज, बट वो इतना वीक था, थका हुआ था, और वो अपने पंखों को जो है वो अपने आप को जो है ऊपर नहीं ला पाया, एग्जॉस्टेड बाय स्ट्रेंज एक्सरसाइज, क्योंकि वो इतना उड़ा, इतनी कोशिश की, इतना भूखा था, तो इस चीज़ से वो थक चुका था। His feet sank into the green sea
एंड देन हिज बेली टच्ड इट एंड ही सैंक नो फादर ही वॉज फ्लोटिंग ऑन इट एंड अराउंड हिम हिज फैमिली वॉज स्क्रीमिंग प्रेजिंग हिम एंड देयर बीक वर ऑफरिंग हिम स्क्रैप्स ऑफ डॉग फिश. जब उसके जो पाँव हैं वो उसके अंदर समुद्र के अंदर चले गए एंड उसके बाद जो उसकी बैली थी उसका जो पेट था उसने जब समुद्र को टच किया तो उसके बाद वो बिल्कुल नहीं डूबा. ही वॉज फ्लोटिंग उसके ऊपर वो उड़ने लगा, तैरने लगा. एंड अराउंड हिम हिज फैमिली वॉज स्क्रीमिंग प्रेजिंग हिम एंड देयर बीक्स वर ऑफरिंग हिम स्क्रैप्स ऑफ डॉग फिश. तो इससे जो है जब वो ऊपर उसके तैरने लगा तो उसकी जो फैमिली थी वो खुशी के मारे उसके प्रेस में जो थी वो ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगी और उसकी अपनी बीक से जो है वो उसके जो बीक में वो जो डॉग फिश के जो पीसेस जो है वो डालने लगे. मींस वो अब खुश हो गए कि अब इसने जो लास्ट चीज़ थी वो भी सीख ली है कि कैसे जो है समुद्र के ऊपर फ्लोट करना है, कैसे अपने को वहाँ पे बैलेंस करना है, वो चीज़ें उसने सीख ली थी. इसलिए वो बहुत खुश थे और ज़ोर ज़ोर से वो चिल्ला रहे थे. सारे आंट उसकी प्रेज कर रहे थे और उसको अब उन्होंने डॉग फिश जो है वो अपनी बीक से खिलाई. ही हैड मेड हिज फर्स्ट फ्लाइट एंड इन दिस वे ही हैड मेड हिज फर्स्ट फ्लाई. इस तरह से उसने अपनी जो है वो पहली उड़ान जो है वो भरी. मीन्स एट लास्ट ही मीन्स ही हैड मेड हिज फर्स्ट फ्लाइट एंड दिस वे ही हैड मेड हिज फर्स्ट फ्लाई. इतने एफर्ट्स के बाद उसने जो है वो पूरी तरह से उड़ना सीख लिया था. मीन्स वी कैन से एट लास्ट दैट ही हैड गॉट विक्ट्री ओवर हिज फियर. अपने डर के ऊपर उसने जीत पा ली थी. सो दिस वॉज द स्टोरी. थैंक यू.